क्या है पूरा मामला। मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम को शनिवार की शाम को धमकी मिली। धमकी में कहा गया, अगर योगी ने 10 दिन के अंदर अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया तो हम उन्हें बाबा सिद्दीकी की तरह मार डालेंगे। मुख्यमंत्री के लिए धमकी मिलने के बाद सुरक्षा व्यवस्था अलर्ट पर है। धमकी देने वाली महिला फातिमा गिरफ्तार, छानबीन जारी। यूपी के सीएम के लिए धमकी भरा मैसेज मिलने के बाद महाराष्ट्र एटीएस थाने पुलिस और मुंबई की वर्ली पुलिस जांच में जुट गई है। वहीं संयुक्त जांच में पता चला कि महिला थाने के उल्लासनगर की रहने वाली है, उसका नाम फातिमा खान है। बता दें कि एटीएस ने ही सबसे पहले महिला को ट्रेस किया, उसकी लोकेशन उल्लासनगर की थी। एटीएस पुलिस के साथ मिलकर महिला के घर पहुंची और वहां उससे पूछताछ की गई, फिर उसे लोकल पुलिस स्टेशन लाया गया, वहां भी पूछताछ की गई। बता दें कि दो राज्यों सहित यूपी उपचुनाव के प्रचार अभियान के बीच देश के सबसे बड़े सूबे के मुखिया को गैर राज्य की पुलिस के माध्यम से धमकी मिलना देश की आंतरिक सुरक्षा पर सवालिया निशान खड़े कर रहा है। सवाल है कि भाजपा में फायर ब्रांड नेता की छवि वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का क्या माफिया से नेता बने बाबा सिद्दीकी जैसा हश्र किया जा सकता है। हालांकि इससे पहले देश के दो पीएम को गोलियों और बम से उड़ाया जा चुका है। सवाल है कि ट्रेन और एरोप्लेन के बाद अब देश के भावी नेता के रूप में देखे जा रहे नेता को धमकी महज शरारत है या इसके पीछे देशी विदेशी ताकतें हो सकती हैं। सवाल ये है कि क्या वास्तव में पीएमसीएम सहित संवैधानिक पदस्थ लोगों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए नए सिरे से योजना तैयार किए जाने की अब आवश्यकता है। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ को पहली बार धमकी नहीं मिली है। धमकाने का ताजा मामला मुख्यमंत्री के सांसद रहते लोकसभा में स्वयं की सुरक्षा के लिए लोकसभा अध्यक्ष से उनके मुखातिब होने की याद दिलाता है। हालांकि तब ऐसी साजिश में शामिल रहने वालों के उद्देश्य दूसरे थे। आज मुख्यमंत्री पद संभालते हुए निश्चित तौर से वो काफी आगे बढ़ चुके हैं, इससे चुनौतियों और खतरे भी बड़े हैं। फिलहाल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का घमासान जारी है। क्या इसीलिए धमकी देने के लिए मुंबई पुलिस का माध्यम बनाया गया है? क्योंकि पिछले दिनों हरियाणा और जम्मू कश्मीर की विधानसभा चुनाव में योगी ने सिर्फ भाजपा की भीड़ जुटा स्टार प्रचारक साबित हुए, बल्कि राजनीतिक विश्लेषक उनके प्रचार अभियान में शामिल क्षेत्रों को परिणामदायी भी स्वीकार रहे हैं। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में धमकाने की बात इसलिए विचारणीय हो जाती है क्योंकि कई बार गैर राज्यों के विपक्षी नेता योगी पर टिप्पणी करते रहे हैं। हालांकि धमकाने वाले ने 10 दिन में पद से इस्तीफे की मांग शामिल कर स्वयं का हल्कापन साबित कर दिया है। वर्तमान युवा पीढ़ी स्वयं को चर्चा में लाने के लिए कुछ भी कर गुजरने को आतुर दिखाई देती है, ऐसे कई उदाहरण भी सामने आ चुके हैं। लेकिन इस प्रकार की धमकियों को हल्के में कतई नहीं लिया जा सकता, इसलिए न सिर्फ धमकी मामले की त्वरित जांच कर समूचा स्तर सामने लाने की जरूरत है, अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर मिल रही छूट ऐसे मामलों की वृद्धि करने वाले ठहराए जाते हैं। हालांकि अपनी बात कहना और किसी को जान से मारने की धमकी देने में अंतर है और कानून इसे अपराध की श्रेणी में रखता है। लोकतंत्र में विरोध करने का अधिकार दिए जाने का मतलब ये कतई नहीं निकाला जा सकता कि नापसंद व्यक्ति को जान से मारने की धमकी दी जा सकती है। ऐसा आवेश पागलपन ही कहा जा सकता है, लेकिन पागलपन की आड़ लेकर कानून की सीमाएं नहीं लांघी जा सकती। इसीलिए महाराष्ट्र पुलिस को यूपी पुलिस से सामंजस्य स्थापित करते हुए पूरे प्रकरण का तत्काल पटाक्ष करना चाहिए। सीएम योगी को वाया महाराष्ट्र मिली धमकी पर देश के गृह मंत्रालय को भी गंभीर होने की जरूरत है। ऐसा तब और जरूरी हो जाता है जब सत्तारूढ़ दल की ओर से पूर्व में पंजाब में पीएम के काफिले के साथ सुरक्षा संबंधी चूक हो चुकी है। इसलिए अच्छा होगा कि दोनों राज्यों की पुलिस केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी के साथ मिलकर इस मामले पर कड़ा एक्शन ले। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।